दोस्तों जय हिंद। महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी द्वारा पिछले कुछ समय से जो आप पोस्ट देख रहे होंगे, एक प्रक टेस्ट जो प्री एग्जाम टेस्ट है उसका आयोजन आज 17 मार्च को करवाया जा रहा है और बैकग्राउंड में वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ये टेस्ट, मैं ये मानता हूँ कि ये एकदम प्री एग्जाम टेस्ट है, जो अग्निवीर का जो नया परीक्षा पैटर्न है उस पर पूर्ण रूप से आधारित टेस्ट है। और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लगभग काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इससे मैं मानता हूँ इस जो टेस्ट देने से बच्चों को अपनी एक्चुअल स्थिति का पता लगेगा। ये एक ऐसा टेस्ट है जो बच्चों को रियल, उनको जो अपना जो लेवल है उसका, उसकी स्थिति के बारे में अवगत कराएगा कि उसको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। और आज जैसे 17 मार्च है और इन बच्चों का समय भी नज़दीक है, 22 अप्रैल से इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट प्रारंभ होना निश्चित है, 22 अप्रैल से प्रारंभ होगी एग्ज़ाम। तो अभी जैसे लगभग जिन बच्चों ने की तैयारी कमज़ोर है उन बच्चों को इस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगेगा कि भाई मेरे को और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, मेरा लेवल आज जैसे 50 क्वेश्चन में मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, और उनको अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। और ये सेम एग्जाम के आधारित, जो पूर्ण रूप से आधारित टेस्ट है और इससे काफ़ी फायदा मिलेगा बच्चों को। जो ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको रियल स्थिति का इस टेस्ट के माध्यम से अनुभव होगा। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन बच्चों से इंटरव्यू भी करवाऊंगा कि कौन से बच्चों का इससे टेस्ट से क्या फ़ायदा हुआ। तो अभी मैं मिलाता हूँ आपको। और टेस्ट जो प्रक टेस्ट है उसमें जो प्रतिभावान छात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त करी है उनसे मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा। और जो 10 बच्चे हैं जिन्होंने रैंक प्राप्त की है उनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा। और इस टेस्ट से जो जो फायदे हुए हैं और क्या नुकसान है, जो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से अपन कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला बच्चा है जो फर्स्ट रैंक जिसने हासिल करी है, क्या नाम है बेटा आपका? संजय कुमार। अच्छा, क्या रैंक आई है आपकी? फर्स्ट रैंक। कितने क्वेश्चन राइट हुए? 45 क्वेश्चन राइट। वेरी गुड। और आपका क्या नाम है? विशाल चौहान। कौन सी रैंक आई? सेकंड रैंक। कितने क्वेश्चन राइट है? 43। भास्कर वासरा, कौन सी रैंक? तीसरी। कितने नंबर? 42 क्वेश्चन। अब मैं आपको फर्स्ट रैंक जो आई है संजय कुमावत की, इस बच्चे से आपको रूबरू कराऊंगा कि इसके जो टेस्ट दिया उससे इसको क्या फ़ायदे हैं। तो बेटा आप बताइए संजय, इस टेस्ट से क्या फ़ायदे हैं? सर, पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें सर इससे ये पता चलता है कि हमारा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं परीक्षा के। और सर जो टेस्ट है उससे सर हमको टाइमिंग के बारे में पता चलता है, कितना हो रहा है हमारा, कितना कवर हो रहा है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन एकदम अच्छे थे सर, जो परीक्षा पे आधारित थे बिल्कुल सर वैसे ही थे, मैंने पिछली बार भी दिया था सर। अभी इस प्रति में किस में रहे आप? सर मैं फिजिकल में रह गए। वो क्या कि सर कारणवश, उस कारण से बीमार हो गया था 5-6 दिन पहले। अच्छा, उसके कारण सर मेरा रनिंग के लिए कोई बात नहीं। हाँ बेटा आप आना एक बार, आपका क्या नाम है? कृष्णा महाजन। जोर से बोलो थोड़ा। कृष्णा महाजन। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। कितने नंबर आए आपके? मेरे 3 नंबर। 3 नंबर आए? अच्छा, 3 नंबर कैसे आए? मुझे आता नहीं कुछ। आता नहीं था? कितने दिन हो गए आपको आया? 3 दिन। 3 दिन हो गए। तो अभी आ रहा है कुछ समझ में? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है सर जी कि आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिचुएशन देखिए समझ में आ रहा है, हो जाएगा लगभग, 1-1.5 महीना बचा है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे ओनार छात्र जिनसे मैं आपको रूबरू करवाया हूँ, जो प्रक टेस्ट के जो प्रतिभावान छात्र थे। और जो कमज़ोर छात्र हैं उनको भी अपनी रियल स्थिति का पता लगा है कि भाई और कितना, अभी जैसे 1-1.25 महीना बचा है तो 1-1.5 महीने में उनको और कितनी तैयारी की आवश्यकता है, वो अपनी तैयारी से अवगत हो चुके हैं सारे बच्चे और उनको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा और अच्छी तैयारी करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।